नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा। खबर बेबाक में आपका स्वागत है। अगर हम बात करें तो पिछले दो दिनों से राष्ट्रपति के आगमन की वजह से पूरे रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है और खासकर एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है। कल राष्ट्रपति जी यहाँ आई थी, कल वो यहाँ पर आके राजधानी के बहुत सारे कार्यक्रमों में शामिल हुई। उसके बाद फिर आज वो इस एयरपोर्ट से ही वो बिलासपुर गई थी, बिलासपुर से का कार्यक्रम अटेंड करके वो फिर यहाँ पर लौट के आ रही हैं। शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं, उसके लिए भी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी मजबूत कर दिया गया है। और कल राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे। तो पिछले दो तीन दिनों से लगातार जो अति विशिष्ट अतिथियों का जो आना आगमन हो रहा है उसको देखकर एयरपोर्ट में खासकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट का ये सामने का हिस्सा है और यहाँ पर बाहर की किसी भी गाड़ियों को यहाँ पर आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो भी गाड़ी आ रही है उसके लिए अलग से एक रूट बना दिया गया है, एक बैरिकेड्स लगाकर इस रूट को बंद कर दिया गया है। केवल अधिकारी और जो VVIPs हैं उनकी ही गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही है। अभी आप भीड़ भाड़ इसलिए देख रहे हैं कि बिलासपुर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो लौटने वाली है और उनको लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम जो पुलिस के अधिकारी वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ देर बाद ही जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, नितिन नवीन भी यहाँ पर आने वाले हैं। उनको उनकी अगवानी के लिए भी बहुत सारे भाजपा के नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो उनके लिए भी खास सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और इसके अलावा कल राहुल गांधी आएंगे तो काफ़ी पुख्ता यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसका खामियाजा जो यात्री हैं उनको भुगतना यहाँ पर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो स्पेस है ये बाहर निकलने का जो रास्ता है, आम यात्रियों के बाहर निकलने का जो रास्ता है उस वहाँ पे भी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और कुछ कुछ जगह इस बैरिकेड्स में रास्ता खोला गया है। तो बाहर थोड़ा सा घूम कर यहाँ पर परेशान होकर आना पड़ रहा है। और इसी तरह आने के लिए भी जो एंट्री है एयरपोर्ट के अंदर की एंट्री, वहाँ पर भी गाड़ियों को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है और गाड़ियों को आगे यहाँ पर भेजा जा रहा है, तो उसके कारण भी यात्री परेशान हो रहे हैं। कल जब राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँची हुई थी तो उसकी वजह से काफिला जो रोक दिया गया था उसकी वजह से भी यात्री लोग काफ़ी परेशान हुए थे। हम बात करने की कोशिश करते हैं। अब ये सिक्योरिटी के कारण जो बैरिकेड्स जगह जगह लगा दिया है, गाड़ी नहीं आ रही, तकलीफ हो रही होगी आप लोग? बहुत तकलीफ हो रही है सर। क्या सलाह देंगे आप ऐसे? नहीं, सिक्योरिटी तो होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि सिक्योरिटी स्पेशली फॉर द VIPs सिक्योरिटी तो होना चाहिए, लेकिन उसको भी एक छूट होना चाहिए कि जिसको फ्लाइट पकड़ना है उसको उसी हिसाब से छोड़ना भी चाहिए। तो ये एक आम जो यात्री की परेशानी है वो उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी भी जरूरी है मगर व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए जिससे आम लोगों को परेशानी यहाँ पर ना हो। और आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर भटक रहे हैं क्योंकि टैक्सी को भी, जो पहले यहाँ तक टैक्सी आ जाती थी उस टैक्सी यहाँ नहीं आ रही है, अब टैक्सी को भी दूर यहाँ पर लोगों को जाना पड़ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत है। तो कुल मिलाकर हमारे इस वीडियो को दिखाने का औचित्य ये है कि जो सुरक्षा VIPs के लिए, अति विशिष्ट अतिथियों के लिए सुरक्षा का इंतजाम तो किया जाए मगर ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे आम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ये ध्यान देने वाली बात होगी। और अभी कल पहला दिन था, राष्ट्रपति जी यहाँ आई थी इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी, आज दूसरा दिन है और कल राहुल गांधी आने वाले हैं तो ये तीसरा दिन रहेगा। तो तीन दिनों तक ये यहाँ पर व्यवस्था इस तरह की रहेगी और हम इस वीडियो के माध्यम से भी जो आम यात्री हैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एयरपोर्ट अगर आपको आना है या ऐसे किसी मार्ग से आना जाना है जहाँ पर VIPs का है तो आप समय से पहले एयरपोर्ट के लिए निकल जाएं या रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाएं क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से जब रोड रास्ता बंद कर दिया जाएगा तो आपको दिक्कत यहां पर हो सकती है। तो खबर बेबाक में फिलहाल इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की कोई परेशानी, इस तरह के कोई मुद्दे हो तो हमें बताएं। तो फिलहाल मुझे और मेरा कैमरामैन संजू सिन्हा को इजाजत दें और आप देखते रहें खबर बेबाक।